हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी फ्रीडी मेरे में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आई थिंक आप लोगों को ये गुड न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने कल लगभग रात को 8 बजे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लाइव आया था, लाइव आपके आप लोगों को बोला था कि SSC GD का जो भी कैंडिडेट SSC GD का रिटर्न कंप्लीट कर चुका है, फिजिकल कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद दोस्तों वो मेडिकल के लिए वेट कर रहा है। दोस्तों उसका एडमिट कार्ड जो है वो अभी आ चुका है। मैं दोस्तों आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, उसके वीडियो को देखने के बाद आप खुद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो कल एक वीडियो छोड़ा था लगभग दोस्तों 11 AM को, दोस्तों मैंने एक वीडियो छोड़ा था SSC GD का 10 तारीख से पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस तरह से एक वीडियो मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ये वाला वो वीडियो है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट है, उन लोगों ने कमेंट किया कि आप फेक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो, आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं और आप थोड़ा सा व्यूज के लिए आप ऐसा तरह वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो। तो दोस्तों मैं जब भी बहुत सारी दोस्तों एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये सही है, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा नहीं रहा तो मेरा यूट्यूब का वीडियो कौन देखेगा। तो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा यूट्यूब का वीडियो कैंडिडेट देखेगा। आपको ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन था, मैंने वीडियो बनाया था कल 11 बजे बनाया था AM को, लेकिन दोस्तों उसी शाम को, कल ही शाम को दोस्तों लगभग 6 से 7 बजे के बीच में एडमिट कार्ड आ गया था, ठीक है। तो दोस्तों यही बात है दोस्तों, आप लोग को एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करने की तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो एडमिट कार्ड को, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है एक ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका ब्राउजर में ओपन होता है तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो छोटा छोटा दिखाएगा, तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते उधर से। तो आप लोग क्या करना, मैं जब नीचे जो आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ उस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करके आप लोगों को क्रोम ब्राउजर पे ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे पेस्ट करके उधर ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों क्रोम ब्राउजर के साइड में दोस्तों 3 डॉट मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइड कर लेना, कंप्यूटर जैसे आप दिखेगा, स्क्रीन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो रोल नंबर, आपका रोल नंबर जो है वो रोल नंबर भरना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। दोस्तों कई सारे कैंडिडेट ये गलती कर रहा है दोस्तों, उसमें रोल नंबर भरना है, ठीक है, उसमें ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को 71 इसी तरह से समथिंग कुछ नंबर था वो नहीं भरना है, आपको भरना है रोल नंबर 51050 इसी तरह से जो रोल नंबर है वो भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है। उसके बाद आपका एक कैप्चा मिलेगा, उस कैप्चा को आप लोगों को उधर भरना है। भरने के बाद आप लोगों को सिंग इन कर देना है, उसके बाद आप लोगों को जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा नीचे, उसका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन में जाके स्टेप बाय स्टेप आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ सारे कंप्यूटर। तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इधर दोस्तों ये क्रोम ब्राउज़र है, इसमें ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को ये डेस्कटॉप साइड कर लेना है, ठीक है। ये डेस्कटॉप साइड में आप लोग को जब क्लिक करोगे दोस्तों इस तरह से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसमें दोस्तों आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है ना वो भरना है, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद इसमें आप लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद दोस्तों इधर आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ना 6612 इसको इधर भरना है। इधर कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपका इधर जो दिखाता है ना उसको इधर आप लोगों को भरना है। उसके भरने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इधर आप लोगों को सिंग इन का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा इसी तरह से। जब आप इसको क्लिक करते हो ना दोस्तों, इसको क्लिक करने के तुरंत बाद ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा दोस्तों। उधर आप लोग को एक क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से, बीच में सॉरी आप लोगों को कैसे दिखाएगा पता है दोस्तों, इस तरह से एक सीन होगा दोस्तों, इस टाइप से एक क्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा। उस क्लिक ऑप्शन को आप जब भी क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो करने लगेगा, ठीक है। उसको तब से उसके नीचे दोस्तों आप लोगों को एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस प्रिंट का ऑप्शन को आप क्लिक करते ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका है, ठीक है।